बिहार के गया में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष रौनक सिंह सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुराने कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व कमेटी के लोग नए कमेटी में वापस आना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने आपसी रंजिश के तहत साजिश रच कर एक झूठा केस दायर किया है कि 11 नवंबर को गुरुद्वारा से श्री गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती पर नगर कीर्तन निकाला गया था, उसमें साजिश के तहत पुराने कमेटी के लोगों के द्वारा अलगाववादी जनरल सिंह भिंडारवाले की तस्वीर लगवाया गया और पुलिस को झूठा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हम इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और जो भी दोषी ठहराया जाता है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्रबंधन कमेटी के उपाध्यक्ष रौनक सिंह सेठ पुराने कमेटी के सदस्य पर बीते 25 वर्षों से रुपए गबन करने का भी आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि जो भी शेष राशि बचा हुआ है उन लोगों से मांगा जा रहा है तो देने से इनकार कर रहे हैं। वहीं पूर्व कमेटी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व की कमेटी के कार्यकाल में गुदारा परिसर में शराब एवं नशीली पदार्थों का भी उपयोग किया जाता था, इसलिए बीते 11 नवंबर को निकाली गई नगर कीर्तन के मौके पर भिंडारवाले का पोस्टर लगाकर बदनाम करने की साजिश रची गई और सिख समुदाय के लोगों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही। वहीं पूर्व कमेटी के कोषाध्यक्ष सरदार सिंह ने लगाए जा रहे आरोप पर खंडन करते हुए कहा है कि जो नई कमेटी के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। मामला ये है कि जो पूर्व कमेटी है, पूर्व कमेटी के सदस्य वापस नई कमेटी में आना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक आपसी रंजिश के तहत एक षड्यंत्र रच के और एक झूठा केस दायर किया, पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश। हमारा जो नगर कीर्तन जो प्रोसेशन 550वीं जयंती का नगर कीर्तन निकाला गया था, उसमें एक साजिश के तहत उन्होंने भिंडरा वाले का तस्वीर लगवाया और उसमें प्रशासन को झूठा बयान दिया कि भिंडरा वाले जिंदाबाद और खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान की मांग की है। ये उल्टे सीधे बातों को उन्होंने प्रशासन के सामने रखा है, प्रशासन को भी भ्रमित करने का उन्होंने प्रयास किया है, जिसके लिए हमने प्रशासन जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, इस पर विशेष तौर पे ये जांच हो हाई लेवल की, जिसमें ये क्लियर हो कि हाँ ये ऐसा हुआ, ऐसी कोई घटना घटी है या नहीं घटी है, क्या ऐसे किसी तरह के किसी भी हमारे गुरुद्वारे के किसी भी सदस्य के द्वारा या हमारे पूरे सिख संगत या गया के किसी भी नगरवासी के द्वारा क्या इस तरह का कोई नारा लगाया गया। ये देखिए, ये कार्य जो है पूर्व कमेटी के उपाध्यक्ष सचिव सरदार प्रीतम सिंह बग्गा एवं उनके पुत्र अंकुश बग्गा, इन दोनों के द्वारा किया गया है। चूँकि ये आज से नहीं, विगत कई वर्षों से ये लोग कंटिन्यूसली ये लोगों पे धौस जमाते आए हैं कि मैं अधिवक्ता हूँ। पुत्र चूँकि पीस कमेटी के मेंबर हैं, नगर परिषद के भी मेंबर हैं, उसके अलावा वो खालसा यूथ परिवार का संयोजक है, साथ में वो अधिवक्ता भी है, तो ये अपने चारों पोस्ट का अपना धौस जमाते हुए ये लोगों को धमकी देते हैं।